सो हाय के स्वागत है आप सभी का आपके ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज किसी ने फ्रेंड्स से बताने वाला अगर आप DBS बैंक का मोबाइल बैंकिंग का यूज़र नाम या पासवर्ड भूल चुके उसको कैसे फॉरगेट करेंगे आज किसी ने फ्रेंड्स से बताने वाला हूँ। इस वीडियो पूरा जेन्युइन तरीका फ्रेंड्स से बताने वाला अगर आप DBS बैंक का वहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड भूल चुके हैं तो वहाँ पर लॉगिन नहीं कर पा रहे वहाँ मोबाइल बैंकिंग तो आप किस तरह से आसानी तरीके से सिर्फ 5 मिनट के अंदर वहाँ पर आप यूज़र नेम वहाँ पर फॉरगेट या कर सकते हैं या पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं इस वीडियो में पूरा लाइव डेमो दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को सुनिए छोटी रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद लाइक कीजिए अगर चैनल पर चैनल कर दो सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन पर लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए आपको सबसे पहले DBS बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना पड़ेगा। देखिए इस तरह का यहाँ पर DBS बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन होगा आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए कुछ समय का आपको यहाँ पर वेटिंग करना पड़ेगा ये लोडिंग ले रहा है यहाँ पर लोडिंग है। देखिए आपको लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा लॉगिन पे क्लिक देखिए आपको यहाँ पे पासवर्ड मंगा जा रहा क्योंकि यहाँ पे मुझे पासवर्ड मालूम नहीं चलिए मैं पासवर्ड ऐसे डालता हूँ। देखिए वो पासवर्ड यहाँ पे नहीं लेगा पासवर्ड वहाँ पे नहीं ले पा लॉगिन पे क्लिक करें देखिए ये पासवर्ड यहाँ पे नहीं ले पा रहा नहीं लेने का रीज़न वहाँ पर ऑटोमेटिक खुल कर वहाँ पर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद सिंपली से आपको बैक आ जाना बैक देखिए ट्रोल लॉगिन इन पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक कर देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है आई फॉरगेट माई पासवर्ड आई हैव अदर लॉगिन इशू अगर आपको जो भी इशू यहाँ से कर सकते हैं अगर फॉरगेट यहाँ पे पासवर्ड का जगह में आई फॉरगेट माय पासवर्ड भी क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करें देखिए आपको मोबाइल नंबर डालना है एक ईमेल आईडी डालना यहाँ पे आपको कंट्री कोड डाल लेना 91 आपको हर देश का अलग अलग रहता है कोड यहाँ पे चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल डाल कर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डेबिट कार्ड CCV नंबर आपको मंगा जा रहा है जो आपके डेबिट कार्ड का CCV नंबर है वो CCV नंबर डाल कर आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड का यहाँ पे आपको पिन डालना पड़ेगा जो आपके DBS बैंक का डेबिट कार्ड का पिन वो पिन आपको डालकर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP या OTP डालकर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो आप पासवर्ड यहाँ पे रखना चाहते हैं DBS बैंक का लॉगिन पासवर्ड वो पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। चलिए कम से कम यहाँ पे आपको कम से कम एड करेक्टर का पासवर्ड यहाँ पे कुछ नाम होना चाहिए कुछ कैपिटल में नाम होना चाहिए कुछ स्मॉल में नाम होना चाहिए कोई एड देर होना चाहिए कुछ नंबर होना चाहिए। चलिए फटाफट से यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेना जो पासपोर्ट यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ DBS बैंक का पासपोर्ट में डाले आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पासपोर्ट सक्सेसफुली यहाँ पे मेरा जनरेट हो चुका है। यहाँ पे देखिए यूज़र नेम मेरा ये आ गया यहाँ पे जो DBS बैंक का यूज़र नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा यहाँ पे DBS बैंक का यूज़र नेम पासपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको बैक आ जाना है बैक आने में देखिए आपको लॉगिन इन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक कर जो आपका पासवर्ड वो पासवर्ड डालना है यहाँ पे चलिए यहाँ पे पासवर्ड डाल लेता हूँ यहाँ पे डाल आपको लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए यही इस तरह का यहाँ पे डिस्प्ले आपके पास वो यहाँ पे खुल कर आएगा। आपके मेल पर एक पासवर्ड आया है पासवर्ड वो आपको देखिए यहाँ पे 7152 ये मेरा पासवर्ड चलिए वहाँ पे मैं जो पासवर्ड मेरे बाजी मिले वो पासवर्ड वहाँ पे क्लिक कर ले रहा हूँ। देखिए आपके एक मोबाइल नंबर SMS पे आएगा पासवर्ड कॉल SMS या ईमेल पे आएगा चलिए यहाँ पे मैं जो मेरे पास आया हुआ है ईमेल का पासवर्ड वो यहाँ पे डाल लेता हूँ। नेक्स्ट करना है नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे देखिए यहाँ पे योर अकाउंट लिंक टू दिस डिवाइस यहाँ पे मेरा कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे चलिए गो टू यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने में देखिए यहाँ पे मेरे तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पे देखिए मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। देखिए आप फिंगरप्रिंट लगाने थे एक्सेप्ट आप लगा सकते हैं DBS बैंक की देखिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट लग चुका है। देखिए यहाँ पे इस तरह से DBS बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली खोल कर आ जाएगी। देखिए अमाउंट यहाँ पे 0 बैलेंस है मेरा DBS बैंक में देखिए यहाँ पे स्कैन पे पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे ऑफर यहाँ पे लोन यहाँ पे देखिए रिचार्ज यहाँ पे अदर बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे DBS बैंक आप ले सकते हैं। यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एड मनी कर सकते हैं बिल पे कर सकते हैं इन्वाइट फ्रेंड को कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो कम से कम इसमें आपको 5000 रुपीज़ हमें आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन से। देखिए बहुत सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी DBS बैंक में देखिए यहाँ पे होम देखिए माय अकाउंट डिपॉजिट यहाँ पे मल्टी फंड यहाँ पे ये सब सारी सर्विसेज आपको DBS बैंक में मिल जाती है ये देखने के लिए मिलता है आपको DBS बैंक में। सो इस तरह से वहाँ पर आप DBS बैंक का वहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं यूज़र नेम फॉरगेट करती है बिल्कुल ईजी आपको कोई भी फीस पे करने का जरूरत मेरे बिल्कुल फ्री में सारा काम वहाँ पे कर सकते हैं पासपोर्ट यूज़र नेम फॉरगेट कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो को पसंद लाइक कीजिए अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए मन में कोई कन्फ्यूजन कमेंट कर अपने नीचे पूछ सकते हैं।